उज्जैन नगरी निकाय चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशी और वार्ड पार्षदों के चुनाव प्रसार के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महापौर प्रत्याशी मुकेश टाटवाल और नगर निगम के 54 वार्ड से भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। आपको बता दें, मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेसी प्रत्याशियों के समर्थन में उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों के लिए अपना मत देने की अपील की थी, जिसके चलते बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन नगर निगम के महापौर प्रत्याशी और पार्षदों की जीत के लिए वोट मांगने उज्जैन पहुंचे। साथ ही साथ जहां उन्होंने विभिन्न वार्डों में आम सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उज्जैन के दोनों विधायक, महापौर प्रत्याशी साथ ही साथ वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। हमेशा से विकास के कार्य करती आई है और विकास ही करेगी, और उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाले सीएसटी के निर्माण कार्य को अच्छे से करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का यह वोट बनना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अभी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, वह हमारे लिए, गरीबों के लिए ही कार्य करती है। अगर जितनी भी योजनाएं हैं, अगर हम सब योजनाओं की बात करें, तो वो सारे गरीबों के लिए ही है। आज के इस अवसर पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे बारे में सोचती है, सभी वर्गों के बारे में सोचती है। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं केवल कार्य करने के लिए बना, बनने के लिए नहीं बन रहा हूँ। मुझे केवल काम करना है, आप लोगों की सेवा करना है, और आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मुझे एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। और मेरे को हर बात की जानकारी है, जैसे कोई जानकारी के अभाव में किसी न किसी व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो उन लोगों को योजनाओं का लाभ सुलभता से पहुंचाने के लिए प्रत्येक वार्ड में हम जन सहायता केंद्र की स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से आपको नगर निगम में या अन्य कार्यालय में भटकना नहीं पड़ेगा। वहाँ का कर्मचारी आपके घर आकर के आपको मिलने वाली योजनाओं का लाभ देगा। और हमारे मुख्यमंत्री जैसा चाहते हैं कि तीनों लोकों से न्यारी नगरी, हम सब, आप सब लोग मिलकर के हम ऐसी नगरी बनाएंगे तीनों लोकों से न्यारी, जिसमें रोजगार होगा, शिक्षा होगी, स्वास्थ्य के समुचित प्रबंध होंगे, जो आज भी है उसको और बढ़ावा मिलेगा। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ, उनके करवाने की व्यवस्था कर देंगे। और उसके साथ जिनके पास मकान नहीं है, कच्चे घरों में रह रहे, उनकी सूची भी बना लो, उनका भला भी हमें करना है। पीएम स्ट्रीट वेंडर में जिन गरीबों को 10,000 नहीं मिले बिना ब्याज के, उनकी सूची बना लो, उनको भी पैसा दिलवाना है। संबल योजना में जिन जिन गरीबों के नाम कमलनाथ ने कटवा डाले थे, फिर से सूची बना लेना, संबल में सबके नाम मुकेश जोड़ दिए जाएंगे। बनाओ सूची, अपन जनता की सेवा के लिए, कोई चिंता फिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब काम मैं करूंगा तो कौन के माध्यम से करूंगा, कौन के माध्यम से करूंगा? ये सब काम करते नगर निगम वाले। अब ये बीना जॉन बाल मेयर थी भाजपा की, भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, तो बिना रुकावट के सब काम हम करते रहे, क्योंकि हम पैसा भेजते थे, ये काम करते थे। और जरा सोचो, कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के पार्षद बन गए तो काम हो पाएगा क्या? अरे हम कहेंगे आगे चलो तो वो कहेंगे पीछे जाएंगे, हम कहेंगे दाएं आओ तो वो कहेंगे बाएं जाएंगे। लड़ाई में ही पूरे 5 साल निकल जाएंगे। मैंने कल इंदौर में केकड़े की कहानी बताई थी। केकड़ों में एक प्रतियोगिता करवानी थी कि बर्तन में भर दो तो देखो कौन केकड़ा सबसे पहले ऊपर आता है। तो बहुत से केकड़े एक बर्तन में भर दिए गए, ढक्कन रख दिया, और बर्तन में भरने के बाद बोले जो केकड़ा सबसे पहले ऊपर आएगा वो जीतेगा। ढक्कन हटाया लेकिन कोई केकड़ा ऊपर आ ही नहीं पाया। तो लोगों का ये केकड़े ऊपर क्यों नहीं आ रहे? तो जब ध्यान से देखा तो पता चला कि एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था तो दूसरा उसके पांव से लटक जाता था, वो ऊपर ही नहीं जाने देता था। ये कांग्रेस का केकड़ा नगर निगम मत बना देना, नहीं हम विकास ऊपर लाएंगे, वो टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं।
गवाड़ ही हो जाएगा। और इसलिए आपसे अपील है, कोई चूक ना हो जाए, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर मुकेश टटवाल को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के जिताए। पार्षदों की सूची है कौन कौन, ये पार्षद हाथ जोड़ने सब, ये पार्षद भारतीय जनता